अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने शियर सेंटर फाइंड आउट करना है चैनल सेक्शन कैंटिलीवर बीम के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे आज के इस लैब के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हमने शियर सेंटर को डिटरमाइन करना है एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। हमने एक्सपेरिमेंट करके उसको हमने क्रॉस सेक्शन के एक साइड से दूसरी साइड पर लोड लगाते जाना और वहाँ से शियर सेंटर फाइंड आउट करना है और अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू से उसको कंपेयर करना है कि हमारा शियर सेंटर जो है हमारी थ्योरी से कितना मैच करता है। जो ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड होगा वो हमारा जो शियर सेंटर ऑपरेटर्स है यानी चैनल सेक्शन कैंटिलीवर बीम मॉडल होगा, उसके साथ हमारे पास वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग टेप जो उसको मेजर करने के लिए, डिफ्लेक्शन डायल गेज जो उसकी डिफ्लेक्शन नोट करने के लिए होंगे, और साथ में वेट्स और हैंगर जो है वेट्स लटकाने के लिए होंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शियर फोर्स क्या होती है। तो शियर फोर्स किसी भी ऐसी फोर्स को आप कहेंगे जो एक किसी भी सॉलिड मटेरियल में किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करें। ऐसी कोई भी चीज़ जो एक पार्ट को दूसरी पार्ट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगी उसको हम शियर फोर्स कहेंगे। उसको वो टियर करने की कोशिश करेगी या एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर स्लाइड करने की, ठीक है। शियर स्ट्रेस क्या होता है? तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस शियर फोर्स, जब किसी चीज़ के ऊपर शियर फोर्स अप्लाई होगी तो उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट बॉडी प्रोवाइड करेगी कि वो एक पार्ट को अपने दूसरे पार्ट के ऊपर स्लाइड नहीं होने देगी। ये जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर स्लाइड नहीं होने दे रही, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये शियर स्ट्रेस है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ की हमने बात की थी कि टेंशन के अंदर जितनी वो बियर कर लेता है मैक्सिमम स्ट्रेस, उसको हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा था। इसी तरह ये शियर स्ट्रेस भी उसी तरह उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से ही रिलेट कर रहा है। अब इसका यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है वो IVQ/IB है। इसको समझने के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए बड़ी ज़रूरी कि ये V क्या है, Q क्या है, IB क्या है। तो उसके अंदर एक चीज़ मिस हो गई कि जो शियर स्ट्रेसेज हैं ये हमेशा जिस प्लेन के अंदर शियर लग रहा होगा उसके प्लेन के टेंजेंशियल होंगे, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, ये इक्वेशन शियर स्ट्रेस की इक्वेशन। इसके अंदर V जो है ये शियरिंग फोर्स है उस जगह पे जिस आप लेंथ के अंदर जिस पॉइंट के भी आप एक बीम की बात कर रहे हैं, बीम के लेंथ में जिस पॉइंट के भी ऊपर हम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है वहां पे हमें शियर फोर्स पहले निकालनी होगी। उस शियर फोर्स के साथ हमें ये क्यू और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई वे। ये क्यू जो है ना ये इसके साथ ये एक्चुअली ए वाई है। ये ए वो एरिया है जो उस पॉइंट तक आ रहा है, एरिया जिस पॉइंट पे हम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम ये कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं फिर इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है, कोई भी इररेगुलर शेप्ड हमारे पास बॉडी है उसके अंदर ये जो आपके पास है ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस से हमें ये डिस्टेंस वाई मिलेगा। ये डिस्टेंस वाई कैसे मिलेगा कि हमने ये जो लाइन ये आपको नजर आ रही है हमने ये कहा रिक्वायर्ड ये है कि इस पॉइंट के ऊपर शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करें। तो इस पॉइंट के ऊपर शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए इस क्रॉस सेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम जो ए डैश यूज करेंगे, ए बार जो हम यूज कर रहे हैं वो ये एरिया होगा जो इस पॉइंट से ऊपर एरिया इन्वॉल्वड है, ठीक है। ये ए वाई होगा, ए बार होगा, और ये वाई बार जो है वो डिस्टेंस होगा जो इस एरिया के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होगा न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। ये वाई बार होगा, और ये जो यहाँ पे जी मेंशन किया हुआ हमारे फॉर्मूले में स्मॉल बी है कि इस पॉइंट के ऊपर ये जिस भी पॉइंट पे ये इस पूरे क्रॉस सेक्शन में किसी भी जगह हो सकता है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो विड्थ होगी ये विड्थ आपकी बी होगी उस फॉर्मूले में। दोबारा उस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं कि ये एरिया जो वो आपको एरिया दिखा दिया मैंने जो शेडेड एरिया वाई जो है उस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड है। वो सेंट्रॉइड अगर इररेगुलर शेप्ड बॉडी है तो हमें इररेगुलर शेप्ड बॉडी का सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, और अगर रेगुलर शेप्ड बॉडी है एक पार्ट है दो पार्ट है तो हमें उन दोनों का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करके उस टोटल बॉडी का सेंट्रॉइड पे जाना पड़ेगा। आई जो है ये तो कंप्लीट उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे सेक्शन का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई में आएगा। लेकिन ये जो स्मॉल बी है ये वही बी है जो उस डायग्राम में आपको दिखाया जी है, ये वो स्मॉल बी है। ये जो बी आपके ये जो जी है यही स्मॉल बी है कि उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर हमारे सेक्शन की विड्थ क्या है। इसकी दूसरी डायग्राम को हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक आई सेक्शन है, तो इस आई सेक्शन में हमें इस पॉइंट के ऊपर शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है कि इस सेक्शन के अंदर यहाँ तक शियर स्ट्रेस कितना है। तो हमें इस सेक्शन में शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए ऊपर से लेके यहाँ तक शियर स्ट्रेस कितना इसमें आ रहा है, तो इसके लिए हमने ये एरिया ज़ूम कर लिया,
इस एरिया का अंदर ये हमारे विड्थ है जिस विड्थ के ऊपर हम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो बी स्मॉल बी जो है हमारा वो वेब की विड्थ हो गया टी डब्ल्यू, ठीक है। इस केस में उस फॉर्मूले में हम ये टी डब्ल्यू प्लेस कर देंगे। और जो हमारा सेंट्रॉयड तक का डिस्टेंस होगा वो कैसे आएगा, हमें इस रेक्टेंगल का भी सेंट्रॉयड निकालना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का भी सेंट्रॉयड निकालना पड़ेगा, और उनका कंबाइंड सेंट्रॉयड हम जिस तरह फॉर्मूले से निकालते थे कि पूरी कंप्लीट सेक्शन का सेंट्रॉयड हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, लेकिन किससे रिस्पेक्टिव, न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्टिव। तो न्यूट्रल एक्सिस को एक्सिस अज्यूम करते हुए हमें ये सेंट्रॉयड निकालना पड़ेगा, जैसे हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर सेंट्रॉयड फाइंड आउट किया था। तो वहां से हमारे पास वाई आएगा, और एरिया तो हमारे पास ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल दोनों का एरिया कंबाइन करके आ जाएगा, और शियर फोर्स हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम से आएगी, इस बीम की लेंथ के अंदर उस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो तो हमारे पास शियर फोर्स आ रही है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर वही यहाँ पे दोबारा वो बात लिखी हुई है कि टा जो है वो शियरिंग स्ट्रेस है उस पॉइंट पे जो हमने फाइंड आउट करना है, और वी जो है वो शेयरिंग फोर्स है जो आपको शेयर फोर्स डायग्राम से मिलेगी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बी विड्थ है उस पॉइंट की, उस पॉइंट पे जहां पे आपको शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ए पार्शियल मूवमेंट है, पार्शियल एरिया है सॉरी, तो पार्शियल एरिया वो एरिया है जो उस पॉइंट तक का से ऊपर ऊपर का, या उस पॉइंट तक से नीचे नीचे का एरिया, उस पॉइंट से नीचे नीचे का एरिया से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई शेयर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मैं इससे यहाँ से नीचे तक का एरिया, न्यूट्रल एक्सिस से ये नीचे का एरिया एज्यूम करूंगा, ठीक है। तो ये उस पॉइंट से नीचे का एरिया भी हो सकता है, उस पॉइंट से ऊपर का एरिया भी हो सकता है। अब उसके बाद आ जाता है वाई, वाई मूवमेंट ऑफ मूवमेंट आर्म है उसका, उस पॉइंट से जहां से न्यूट्रल एक्सिस से लेके उस एरिया का मूवमेंट आर्म बनेगा, और क्यू जो है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया है, या क्योंकि पार्शियल एरिया की बात करें तो इसलिए उसने फर्स्ट मूवमेंट ऑफ पार्शियल एरिया कह दिया। ये ए बार वाई बार हमारे पास ये क्यू आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन है। इसी से रिलेटेड एक छोटे सा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि आपके पास सिंपल एक क्रॉस सेक्शन है, इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है 250 x 100 का। तो आपके पास इसका इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको सेक्शन ए ए के, उसने कहा है कि अगर सेक्शन ए ए के ऊपर हमें शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना पड़े तो हमारे पास वही फॉर्मूला क्यू वी ओवर आई बी। क्यू हमारे पास ए इंटू वाई है, हमने इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉयड निकाल लिया जो कि वाई एक्सिस 87.5 आ रहा है, इसका एरिया हमने निकाल लिया 75 × 100, तो ये 7500 हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास ये ए वाई आ गया, इस ए वाई को हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, हमारे पास क्यू जो है वो ए वाई से आ गया है, हमारे पास ये वी जो है ये शेयर फोर्स है उस जगह पे, वो न्यूमेरिकल के अंदर उसने पहले से दी हुई है 10 kN है, और उसके बाद हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी गिवन है, वो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। और बी जो है विड्थ 100 है यहाँ पे, फिर वही यहाँ पे ये जो बी है ये आपने 100 लेना है यहाँ पे। अब इस न्यूमेरिकल से हमारे पास टा आ गया 0.5 MPa। इसी को देखते हुए मैं दोबारा से इस एग्जाम्पल पे आता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इस सेक्शन का मैं क्रॉस सेक्शनल सॉरी इस सेक्शन के अंदर मैं शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना हूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन हमारे पास पास हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास बी की दो वैल्यूज आ सकती हैं। एक बी की वैल्यू मेरे पास आ सकती है यहां से लेके यहां तक, जो फ्लैंज की टोटल विड्थ है, ये जो बी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेस मेरे पास यहां से आएगा, शियर स्ट्रेस, जो कि इस विड्थ को डिवाइड करने से आएगा, और इस एलिमेंट से बिल्कुल नीचे मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास कौन सी विड्थ होगी, ये वाली बी विड्थ होगी। ऑल्दो के तकरीबन एरिया वो यही होगा, सेंट्रॉयड भी तकरीबन वही होगा, थोड़ा सा ऊपर बात करूं, डिफरेंशियल एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसको हम मैयर भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ बी आ रही है इस पॉइंट के ऊपर, ये जो है टोटल विड्थ, और उस पॉइंट से हल्का सा नीचे बात करें तो उस वक्त हमारे पास ये विड्थ जो है वो स्मॉल बी आ रही है। तो ये शियर स्ट्रेस, यहाँ पे शियर स्ट्रेस बिल्कुल जीरो होगा, यहाँ पे आके चेंज होगा, और ये इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास दो शियर स्ट्रेस की वैल्यूज आ रही होंगी। एक मिनिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है जब हम बी जो है वो लार्जर यूज करेंगे, टोटल बी हम यूज करेंगे यहाँ से यहाँ तक, उससे जैसे ही मैं एक पॉइंट नीचे आऊंगा तो मेरा बी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा टी डब्ल्यू जितना, तो उस वक्त मेरे शियर स्ट्रेस की वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी। तो वो जीरो से शुरू होकर यहाँ पे एक दफा एकदम से बढ़ेगी, और फिर ये शियर स्ट्रेस डायग्राम बनेगी, और फिर नीचे आके फिर वही डायग्राम जो ऊपर बनी है उसी के रेपिटेशन होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास ये शियर स्ट्रेस डायग्राम, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से इसकी शेप एक्चुअल बनेगी। यहाँ से हमारे पास जीरो शियर स्ट्रेस आया, उसके बाद हमारे पास
यहाँ पे कुछ वैल्यू आई शियर स्ट्रेस की, ये कुछ कम वैल्यू आई, उसके बाद उसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास ज्यादा जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू टी डब्ल्यू से, और यहाँ पे यहाँ तक शियर स्ट्रेस की वैल्यू स्मॉल बी से, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू टी डब्ल्यू से, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना आंसर बड़ा आएगा, तो टी डब्ल्यू से हमारे पास ज्यादा आंसर आएगा और बी से हमारे पास छोटा आंसर आएगा, तो इस तरह की जो है शियर स्ट्रेस डायग्राम हमारे पास बनेगी। उसके बाद इससे पहले एक चीज जो और डिस्कस करने वाली है वो ये है कि शियर स्ट्रेस आपको किस तरह से लगता है कि शियर स्ट्रेस जो है वो बीम के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करता है। हमने ये देख लिया पहले कि फ्लेक्चर जो है वो बीम के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो अब हम ये भी हमें पता होना चाहिए कि शियर जब बीम बेंड करता है, कोई क्रॉस सेक्शन बेंड कर रहा है, तो उसके अंदर शियर स्ट्रेस उसमें किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं शियर स्ट्रेस उसकी बात करूं उसके अंदर, तो हम शियर स्ट्रेस देख लेते हैं कि उस किसी भी बीम के अंदर शियर स्ट्रेस किस तरह से एग्जिस्ट करता है। कि अगर आप एज्यूम करें कि बीम के जो है हम उसको मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, पूरे बीम के क्रॉस सेक्शन को हम मुख्तलिफ शीट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। अब ये शीट्स जैसे बेंड करेंगी तो ये शीट्स आपस में एक दूसरे बेंड करने की वजह से आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेंगी, तो ये जैसे ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेंगी तो ये जो स्लाइडिंग इफेक्ट है ये इसके अंदर शियर प्रोड्यूस करेगा। इसी को एक दूसरे एंगल से हम देख लेते हैं कि हमारे पास आपको पता है कि बीम के अंदर जब बेंडिंग आती है तो डाउनवर्ड साइड पे टेंशन आ रही होती है और अपवर्ड साइड पे कंप्रेशन आ रही होती है, तो डाउनवर्ड टेंशन और अपवर्ड कंप्रेशन के दरमियान हमारे पास क्या बन रहा होगा, शीयरिंग प्लेन आ रहा होगा, ये यही हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो इसी को आप इस तरह से देखें तो ये पूरी शीट्स को आप एज्यूम कर लें तो पूरे सेक्शन के अंदर आपके पास शियर आ रहा होता है, इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास पूरे सेक्शन में ही शियर एग्जिस्ट कर रहा होता है किसी भी एलिमेंट में। मिसाल के तौर पर टॉप मोस्ट एलिमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगी, उससे एक एलिमेंट नीचे आ जाऊं तो उससे कंप्रेशन कुछ कम होगी, टॉप वाले से एक एलिमेंट से कंप्रेशन कुछ कम होगी, तो ऊपर वाला और उससे नीचे वाला एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह जैसे जैसे मैं नीचे चलता हूं तो उस तरह हमारे पास कंप्रेशन से टेंशन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और बॉटम मोस्ट के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम टेंशन होगी, और उससे एक एलिमेंट ऊपर भी चला जाऊं तो उस जो बॉटम पे आकर मैं मैक्सिमम टेंशन थी उससे कुछ कम टेंशन होगी, तो वो एलिमेंट्स भी एक दूसरे पे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरे का पूरा बीम का क्रॉस सेक्शन जो है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, इसी स्लाइडिंग फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस जो है वो बीम के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास शियर फ्लो क्या होता है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो शियर स्ट्रेस को सिंपली आपने विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आपका शियर फ्लो आ जाएगा। ये जो आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर बी खत्म कर दूं या बी से आप कह लेंगे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास शियर फ्लो आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया, क्यू टा इंटू बी कर दिया, तो ये हमारे पास शियर फ्लो का फॉर्मूला बन गया। एक्चुअल में शियर फ्लो होता क्या है, फिजिकली ये क्या चीज है, तो शियर फ्लो रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर वहां तक कितना शियर आ गया, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर कितना शियर जो है वो ये पर यूनिट लेंथ ये ट्रांसमिट हो रहा है। आपने सिंपली पहले जो है वो विड्थ से डिवाइड नहीं किया, इस वजह से पर यूनिट लेंथ वो ही सिंपल चीज आ रही है कि आपने क्या किया कि शियर फ्लो जो है आपको वो बता रहा है कि उस पॉइंट तक कितना शियर जो है वो आ चुका है उस सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब शियर सेंटर की बात कर लेते हैं, तो शियर सेंटर ऐसा पॉइंट है कि जब आप किसी अनसिमेट्रिकल सेक्शन के ऊपर लोडिंग अप्लाई करते हैं, बेंडिंग अप्लाई करते हैं, तो वो अनसिमेट्रिकल सेक्शन अनसिमेट्रिकली बेंड होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ये एक डायग्राम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है कुछ, उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये चैनल सेक्शन है, इस चैनल सेक्शन को जैसे ही मैं लोड यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये इस तरह से बेंड भी कर रहा होगा और साथ में ट्विस्ट भी कर रहा होगा, ठीक है, जहां पे ये बेंड कर रहा होगा वहां पे साथ साथ ये ट्विस्ट भी कर रहा होगा, तो इस तरह से बेंड भी कर रहा है और ट्विस्ट भी कर रहा है। अगर फ्रंट साइड से मैं दिखाऊं तो इस तरह से ये बेंड भी कर रहा है और ट्विस्ट भी कर रहा है, ठीक है, ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि लोड इसके शियर सेंटर के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा। कोई भी सेक्शन है अगर आप उसके शियर सेंटर के ऊपर लोड अप्लाई नहीं करेंगे तो वो बेंड भी कर रहा होगा और साथ में ट्विस्टिंग भी उसके अंदर आ रही होगी, लेकिन अगर उसके शियर सेंटर से लोड पास करे, अगर लोड उसके शियर सेंटर से पास करेगा तो वो प्योर बेंडिंग शो करेगा, कोई ट्विस्टिंग नहीं शो करेगा, सिंपली ये इस तरह से बेंड कर देगा, कोई ट्विस्ट उसमें नहीं आएगा। इसके अंदर ये जो चैनल सेक्शन होता है हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास तकरीबन शियर सेंटर होता है, तो जब हम लोड किसी भी जगह यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेंडिंग के साथ ट्विस्टिंग आएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे लोड अप्लाई करें, अगर इसी क्रॉस सेक्शन को इसी तरह प्लेस कर दें और यहाँ पे हम लोड अप्लाई करें इस क्रॉस सेक्शन पे, तो ये प्योर बेंडिंग शो करेगा।
इस केस में भी आपका लोड जो है वो शियर सेंटर से क्योंकि पास कर रहा है, इस वजह से ये प्योर बेंडिंग शो कर रहा है। इस केस में भी अगर यहाँ से पास करेगा लोड, अप यहाँ से अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा हो या डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा हो, तो उस केस में भी आपके पास इसी पोजिशन में लेकिन लोड यहाँ पे हो तो आपके पास प्योर बेंडिंग ही आ रही होगी। इसी को देखने के लिए ये हमारे पास एक डायग्राम है कि हमारे पास एक इक्वल लेग एंगल सेक्शन है। अब इस इक्वल लेग एंगल सेक्शन का सेंट्रॉइड तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर हम इसके सेंट्रॉइड के ऊपर लोड लगाते हैं तो ये इस तरह से बेंड कर रहा होगा। तो सेंट्रॉइड पे लोड लगाने से बेंड भी कर रहा है और ट्विस्टिंग भी आ रही है, लेकिन इसका शियर सेंटर यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है। अब इसका शियर सेंटर यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है, जब मैंने लोड यहाँ पे अप्लाई किया तो इस केस में प्योर बेंडिंग आ रही है, इसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं आ रही। ठीक है, अब अगर इस सेक्शन को जिस तरह मर्जी रोटेट करते हैं, अगर आपका जो लोड है वो शियर सेंटर से पास कर रहा है तो उस केस में आपके पास प्योर बेंडिंग ही आएगी, कोई ट्विस्टिंग नहीं आएगी। तो यही चीज हमारे शियर सेंटर को डिफाइन करती है कि जिस पॉइंट के ऊपर आप लोड लगाएं और आपके पास प्योर बेंडिंग आए, कोई ट्विस्टिंग ना आए, उसी को हम शियर सेंटर कहेंगे। अब यहाँ पे हम क्योंकि चैनल सेक्शन को हमने स्टडी करना है, हमारा जो सैंपल सेक्शन है वो चैनल सेक्शन है, तो चैनल सेक्शन के लिए जो शियर सेंटर फाइंड आउट हमने किया, हमने सिंपली ये किया कि ये जो सी पॉइंट है सेंट्रॉइड, यहाँ पे हमने सी पॉइंट के ऊपर ये अज्यूम कर लिया कि हमारा मूवमेंट जो है वो जीरो है। इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे इजीली अज्यूम किया क्योंकि फिजिकली हम यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसी पॉइंट चूज किया जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इस सेक्शन के सेंटर पे जो सी पॉइंट है यहाँ पे हमने मूवमेंट को जीरो अज्यूम कर लिया। तो हमारे पास जो ऊपर टोटल फोर्स आ रही है और जो नीचे वो फोर्स आ रही है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास वी क्रॉस ई जो है वो इक्वल है एच क्रॉस एच के। ये हमारे पास टोटल जो एच आ रही है यहाँ से शेयर फ्लो और यहाँ से शेयर फ्लो, इसका जो आप टॉर्क कह लें कपल कह लें, उसका जो दरमियान में डिस्टेंस है वो हमारे पास एच है। तो ये जो आपके पास कपल है एक इस तरफ को और एक इस तरफ को, कपल के दरमियान जो डिस्टेंस है वर्टिकल वो एच है। तो एच इंटू एच जो है इसको कौन सी चीज जो है वो ये चीज जो है ट्विस्टिंग क्रिएट कर रहा है, तो इस चीज को रिजिस्ट कौन सी चीज कर रही है, वो है हमारा शेयर फोर्स इंटू ई। ठीक है, ये हमारा एंटी क्लॉक ये सॉरी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो V into E है ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा इस पॉइंट C के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होना चाहिए, यहाँ से हमारे पास ये चीज आ गई। ये H जो है हाफ वी बी एच ओवर टू आई इंटू बी टी, ये आप लोग थ्योरी के अंदर पहले पढ़ चुके हैं कि शेयर फ्लो किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये H जो है शेयर फ्लो जो है इस सेक्शन का वो हमने कैलकुलेट किया, सिंपली इस H को इसमें पुट किया और इसको रीअरेंज किया, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस E है, ये डिस्टेंस ई का थ्योरेटिकल फॉर्मूला आ गया कि हमने इस चैनल सेक्शन का शियर सेंटर इस मिड पॉइंट से किस तरह फाइंड आउट करना है कि ये इस मिड पॉइंट से कितने फासले पे एग्जिस्ट करता है इसका शियर सेंटर। तो ये इस फॉर्मूले से हमारे पास शियर सेंटर आ जाएगा। सिंपली इसके अंदर जो एच है ये आपका शियर फ्लो है जो आप थ्योरी में फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। तो इसके हम अंदर हमने सिंपली करना ये प्रोसीजर जो होगा हमारे एक्सपेरिमेंट का वो सिंपल ये होगा कि हमारा जो चैनल सेक्शन है उसके नीचे हमारे पास एक बार प्रोवाइडेड होगी, उस बार के ऊपर हमारे पास कुछ बने हुए होंगे स्पॉट्स बने हुए होंगे, या आप कह लें कि सॉटूथ बने हुए होंगे, कुछ दंदे बने हुए होंगे। हम क्या करेंगे कि एक साइड से दूसरी साइड पे चलते जाएंगे और एक पहले एक जगह लोड लगा के देखेंगे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस हम एक साइड से दूसरी साइड पे लोड अप्लाई करते जाएंगे। तो हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास प्योर बेंडिंग आ रही हो और कोई ट्विस्टिंग ना आ रही हो। सिंपली हमने मेजर कर लेना है उसकी डायमेंशंस को, उसके एंड कंडीशंस को देख लेना है, उसकी लेंथ को मेजर कर लेना है, क्रॉस सेक्शन वेट जो फ्लैंज वेब सारी वेट्स वगैरह मेजर करके आपने सिंपल ये करना है कि -17.5 मिलीमीटर पोजीशन से, -17.5 का मतलब ये है कि अगर ये आपका सेंटर है ये जीरो है, इस तरफ आपके पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो हमने -17.5 मिलीमीटर पे यहाँ पे हमारे पास उसके नीचे बार होगी, उसके ऊपर यहाँ -17.5 मिलीमीटर के ऊपर हमने प्लेस करना है पहला लोड और उसके बाद उससे नेक्स्ट पॉइंट पे, उससे नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट और नेक्स्ट हमने लोड अप्लाई कर करके उसकी डिफ्लेक्शन मेजर करनी है। डिफ्लेक्शन हमने कहाँ पे मेजर करनी है, हमने एक डिफ्लेक्शन डायल गेज यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, एक डिफ्लेक्शन डायल गेज यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। हमने कोशिश ये करनी है कि डिफ्लेक्शन डायल गेज जितना मैक्सिमम फासले पे हम लगा सकते हैं, जितना किनारे तक लगा सकते हैं उतना किनारे तक डिफ्लेक्शन डायल गेज लगाएं। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों डिफ्लेक्शन डायल गेज से हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो ट्विस्ट कितना कर रहा है बेंड होते हुए, तो हमें बेंड होते हुए साथ में ट्विस्टिंग पता लग जाएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्विस्ट कितना कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये ट्विस्टिंग आ जाएगी। ये हमारे पास सिंपल क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे आप विड्थ डायमेंशन वगैरह इसकी लिख लीजिएगा। ये बी जो है
ये डिस्टेंस बिटवीन जी वन एंड जी टू, जी वन एंड जी टू आपका जी वन डिफ्लेक्शन डायल गेज वन और जी डिफ्लेक्शन डायल गेज टू है, तो ये बी डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक जहां पे भी आप डिफ्लेक्शन डायल गेज लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, किनारे से थोड़ा सा अंदर आपने दोनों साइडों पर डिफ्लेक्शन डायल गेज लगा देनी है, तो वो आपका बी पॉइंट होगा। इस तरह से हमारे पास डिफ्लेक्शन आ जाएंगी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमने पहले सेटिंग के ऊपर, मतलब पहली सेटिंग थी हमारी -17.5, तो हमने यहाँ पे 17.5 सेटिंग के ऊपर क्या किया कि सबसे पहले हमने जीरो लोड के ऊपर देख लिया कि डिफ्लेक्शन डायल गेज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन डायल गेज की वैल्यू क्या है, मिसाल के तौर पर 100 आ गई और इस डिफ्लेक्शन डायल गेज पे हमने 200 सेट की हुई है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने 5 केजी लोड अप्लाई किया, ठीक है, 5 केजी को आप लोगों ने न्यूटन में फिर कन्वर्ट कर लेना। तो 5 केजी लोड अप्लाई करने से हमें यहाँ पे पता लगा कि ये डिफ्लेक्शन डायल गेज की वैल्यू 101 हो गई या 102 हो गई, और इसकी डिफ्लेक्शन और जो डिफ्लेक्शन डायल गेज 2 है उसकी वैल्यू हमारे पास 204 हो गई। इस तरह से हमने इसको फिल कर लिया। उसके बाद 10, उसके बाद 15 केजी हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन नोट करते रहे कि हमारे पास ये जो है ये 110 हो गई है, या अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 जो है वो सॉरी 225 हो गई है, इस तरह करके हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है डिफ्लेक्शन डायल गेज की। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि डेल्टा वन फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा वन क्या है कि जब जीरो लोड हमने लगाया तो उस वक्त जीरो डिफ्लेक्शन है, तो 100 - 100 इंटू जो लीस्ट काउंट है 0.01, यहाँ पे जीरो आ गया। उसके बाद हमारे पास ये 102 है, 102 -100 मतलब हमारे पास आ गया 2 को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.02 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन आ गई, और यहाँ पे हमारे पास 0.1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन आ गई। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0 और 0.04 mm और 0.25 मिलीमीटर, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन आ गई। अब ये जो डिफ्लेक्शन हमें बता रही है, ये बता रही है कि अगर 17.5 mm पे मैंने लोड लगाया था तो उस वक्त मेरे पास ट्विस्टिंग हो रही थी, ठीक है, उस वक्त मेरे पास बेंडिंग के साथ साथ ट्विस्टिंग भी हो रही थी। तो उसका मैंने ये फाइंड आउट करना है कि थीटा एंगल कितना एंगल ट्विस्ट हो रहा था। तो सिंपली मैं ये करूंगा कि डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय बी, और बी वही डिस्टेंस है जो इनका आपस में डिस्टेंस है। ये हमने सिंपल ट्रायंगल रूल फॉलो करते हुए किया, तो हमारे पास डेल्टा 1 2 2 मतलब जो भी डेल्टा ज्यादा आ रहा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करके बी पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा, आपके पास एंगल थीटा आ जाएगा जिस एंगल पे वो ट्विस्ट कर रहा है। उसके बाद हमें एवरेज डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है कि हमारा टोटल एवरेज डिफ्लेक्शन बेंडिंग में कितना हुआ है। तो बेंडिंग में एवरेज डिफ्लेक्शन कैसे आएगा कि हमारा एक इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आ रही है, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आ रही है, सेक्शन के इस तरफ डिफ्लेक्शन आ रही है, इस तरफ डिफ्लेक्शन आ रही है, तो वो जो टोटल डिफ्लेक्शन नीचे को बेंड हो रही है वो होगा ये कि अगर पहला जो डिफ्लेक्शन डायल गया वो यहां तक बेंड हुआ, दूसरा डिफ्लेक्शन डायल गया यहां तक बेंड हुआ, तो इनका जो एवरेज है टोटल सेक्शन वहां तक बेंड हुआ। तो हमने सिंपल ये किया डेल्टा 2 माइनस डेल्टा सॉरी डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज ले लिया दोनों डिफ्लेक्शन की, तो ये हमारे पास आ गई हमारी जो मैयर डिफ्लेक्शन है। इसी तरह हमारे पास थ्योरेटिकल डिफ्लेक्शन आ जाएगी, सिंपली हमें कैंटिलीवर बीम के केस में पता है कि पी एल क्यूब ओवर 3 ई आई हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो हम यहाँ से अपनी मैयर डिफ्लेक्शन और कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले सेटअप के अंदर ये करना है कि हमने पहले सेटअप में ये रीडिंग्स मुकम्मल कर ली। उसके बाद हम दूसरे सेटअप के ऊपर आए तो हमने इसको चेंज करके -2.5 mm कर दिया। -2.5 mm करने के बाद आपने फिर यही सेट ऑफ रीडिंग्स हमने इसके ऊपर लगाया, यहाँ पे ये सेट ऑफ रीडिंग लगाने के बाद इसके ऊपर दोबारा डिफ्लेक्शन डाल के सेट की, यहाँ पे वैल्यूज ली, ये हमारे पास आया और हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन आ गया, एवरेज डिफ्लेक्शन आ गई और हमारे पास थ्योरेटिकल डिफ्लेक्शन आ गई। इसी तरह हम इसको फिर 2.5 mm पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि पॉजिटिव साइड पे आ गए, और फिर 17.5 mm पे आ गए। इस तरह से हम चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे 25 mm पे आ गए। तो इस तरह से आपने उसको हर सेटअप के ऊपर 3 लोड के इंक्रीमेंट्स करके हमने इसको लगा के सारे सेट ऑफ रीडिंग कंप्लीट कर लिए, और हमने डिफ्लेक्शन अपनी नोट कर ली, और उन डिफ्लेक्शन से हमारे पास जो रोटेशन है वो भी आ गई और एवरेज डिफ्लेक्शन भी आ गई और थ्योरेटिकल डिफ्लेक्शन भी आ गई। तो ये हमारे ये सेट ऑफ रीडिंग मुकम्मल हो गए। अब इन सेट ऑफ रीडिंग से हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा होगा, हमें एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं मिलेगा एक्सपेरिमेंट करते हुए जिस पॉइंट के ऊपर जो हमारा एक्चुअल बीम है वो सिर्फ बेंड करे और ट्विस्ट ना करे हमें, क्योंकि शियर सेंटर का अंदाजा है सिर्फ, हम जानते नहीं है एक्चुअल में शियर सेंटर कहाँ पे। तो हमने अभी फाइंड आउट करना है, हमने सिंपल ये किया कि हमने एक साइड से दूसरी साइड को हमने लोड लगाया, तो अब हमारे पास वो पॉइंट इनके दरमियान में कहीं था ज-
जहां पे प्योर बेंडिंग आ रही है, शियर नहीं आ रहा। हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली पॉइंट कहाँ है, हमें ये पता है कि वो इनके दरमियान में कहीं पॉइंट है। तो वो हम पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास ग्राफ से आएगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे। डिस्टेंस जो है वो जी डिस्टेंस है, ये -17.5, -2.5, 2.5, 17.5, 25, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा कि थीटा वर्सेस डिस्टेंस जी का ग्राफ आएगा। अब ये कितने ग्राफ बनेंगे कि आप एज्यूम कर लें कि 5 केजी लोड आपने पहले -17.5 पे लगाया, फिर 5 केजी लोड आपने -2.5 पे लगाया, फिर 2.5 के ऊपर आपने 5 केजी लोड लगाया, फिर 17.5 पे 5 केजी, और फिर 25 पे 5 केजी। तो हमने एज्यूम किया कि हम 5 केजी वाला ग्राफ सिर्फ बना रहे हैं। पहला ग्राफ हमने बनाया सिर्फ 5 केजी का। तो 5 केजी लोड के ऊपर हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी एक्स एक्सिस में जो जी की वैल्यूज है, और वाई की एक्सिस के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू थीटा आ रहा होगा यहाँ पे 5 केजी के अगेंस्ट, यहाँ पे 5 केजी के अगेंस्ट, इस तरह 5 केजी के अगेंस्ट यहाँ पे। तो हमने ये वाली जो डिफ्लेक्शन है ये इन थीटा वर्सेज डिस्टेंस का ग्राफ हमने प्लॉट कर लेना है यहाँ पे 5 केजी पे, इसी तरह 10 केजी पे, इसी तरह 20 केजी पे। तो हमारे पास ये थीटा वर्सेज डिफ्लेक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 5 केजी, 10 केजी और 15 केजी के ऊपर हमारे पास तीन ग्राफ्स आएंगे। इन तीनों ग्राफ्स में आप देखेंगे कि आपके पास एक स्लोप आ रही होगी, ये स्लोप या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट कर रही होगी, या हॉरिजॉन्टल ये भी हो सकता है कि हमारा दरमियान में पॉइंट वो ना आया हो, हमारा वो एक्स्ट्रापोलेट करने से वो पॉइंट है। तो हमने इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करना है, इस एक तो इन पॉइंट्स को आपने ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। आपने इन पॉइंट्स को स्ट्रेट ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करना है, आपने इनको फ्री हैंड से ज्वाइन नहीं करना। ट्रेंड लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद आपने ये देखना है कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। जाहिर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वहां पे हमारी थीटा की वैल्यू जीरो होगी, वहां पे हमारे पास प्योर बेंडिंग आ रही होगी, कोई ट्विस्टिंग नहीं आ रही होगी। तो सिंपली हमने ये करना है कि उस लाइन को एक्सटेंड कर देना है, एक्स्ट्रापोलेट कर देना है, या इंटरपोलेट करके आपने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेना जहाँ पे आपका थीटा जीरो आ रहा होगा, वहां पे हमारे पास ये जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे पास कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है, जो हमारे पास सिर्फ वो शियर सेंटर कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, हमारे सेक्शन के सेंट्रॉइड से कितने डिस्टेंस के ऊपर हमारा शियर सेंटर आ रहा है। इसी तरह हम लोड वर्सेज डिफ्लेक्शन का ग्राफ लानेंगे, तो लोड वर्सेज डिफ्लेक्शन का ग्राफ हमारे पास ये बनेगा कि ये जीरो पहले -17.5 केजी के ऊपर, इस सेट के ऊपर हमारे पास एक ग्राफ आएगा लोड वर्सेज डिफ्लेक्शन मेजर्ड और लोड वर्सेज डिफ्लेक्शन कैलकुलेटेड। तो हमारे पास ये पहला सेट आएगा ग्राफ का, उसके बाद दूसरा सेट ऑफ ग्राफ आएगा यहाँ पे कि हम ये लोड लेंगे इस -2.5 मिलीमीटर पे, और ये हमारी मेजर डिफ्लेक्शन और ये कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड ग्राफ आ जाएगा, इस तरह थर्ड, फोर्थ और फाइव। तो यहाँ पे हमारे पास ये लोड वर्सेज डिफ्लेक्शन के ग्राफ आ जाएंगे। ये हमारे ग्राफ भी कंप्लीट हो गए, रिजल्ट्स हमारे पास, एक हमारे पास आ गया ग्राफ से रिजल्ट, और एक हमारे पास ये जो फॉर्मूला आप लोगों के पास सबसे पहले हमने ड्राइव किया था बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर टी ओवर फोर आई। तो हमारे पास ये फॉर्मूले से भी आ गया और हमारे पास ग्राफ से भी आ गया। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे कि हमारी ग्राफ हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू से हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी डिफर कर रही है, और यहाँ भी आप कमेंट्स में एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू कितनी डिफर कर रही है। इस तरह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो हमारे फर्दर नोट्स हैं, जैसे कि शियर फ्लो की क्या प्रॉपर्टीज हैं या शियर स्ट्रेस क्या होता है, इससे रिलेटेड सारे जो नोट्स हैं वो नीचे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं वो स्लाइड्स। तो वो आप एडिशनल अपने स्टडी के लिए या उसको समझने के लिए कि ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ है, शियर फ्लो क्या होता है, मुख्तलिफ सेक्शंस का शियर फ्लो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो ये वाली स्लाइड्स जो है ये मैंने आपके इसके साथ अपलोड कर दी हुई हैं। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।